दोस्तों तुमने आपने देख लिया होगा, अब फिर से आपके मोबाइल प्राइसिंग फिर से महंगे होने वाले, आपके प्लान फिर से महंगे होंगे। दोस्तों सबसे बड़ा दोस्तों स्टेटमेंट यहाँ पे निकल के आया ट्राई के चेयरमैन आर एस शर्मा की तरफ से कि फ्लोर प्राइसिंग की तैयारी चल रही, जिससे आपका दोस्तों यहाँ पे डेटा कॉलिंग फिर से महंगा होगा। क्या है पूरी की पूरी न्यूज और किस तरह से दोस्तों ये फ्लोर प्राइसिंग काम करेगा और क्यों आपके जो प्लान है फिर से यहाँ पे महंगे होते हुए दिख रहे हैं, क्या है पूरी की पूरी स्टोरी, उसके बारे में कवर करेंगे इस वीडियो में। तो प्लीज बने रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक। मैं हूं आपका दोस्त नील शेख और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नो नील फैंस। अभी सब्सक्राइब करें हमारे टेक्नो नील चैनल को और हमें बनाइए 1 मिलियन की टेक्नो नील फैमिली। इसके साथ साथ इस घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए हमारे आने वाले सारे टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी जानते हैं, फिलहाल अभी बात कर लीजिए दोस्तों, कुछ ही दिनों पहले यहां पे सारी की सारी टेलीकॉम कंपनीज ने ऑलमोस्ट 40-50% तक का टैरिफ हाइक ऑलरेडी कर दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डंडा इन पे चला था फ्रेंड्स। इनको हजारों करोड़ ऑलमोस्ट 92,000 करोड़ दोस्तों खास करके वोडाफोन आइडिया एयरटेल को ही देना था, और टोटल अगर टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात कर ली जाए तो 1,25,000 करोड़ समथिंग इन्हें दोस्तों एजीआर के पैसे देने यहां पे डीओटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन भारत सरकार को। इन लोगों की दोस्तों हालत पहले से ही पतली थी, उसके बाद दोस्तों इन लोगों ने प्लान कर लिया, सबने मिल लिया और बात कर ली कि हम यहां पे टैरिफ बढ़ाएंगे। इस लीग में जियो भी शामिल हो गया और सारी की सारी कंपनियों ने मिलकर फ्रेंड्स यहां पे ऑलमोस्ट 40-50% के यहां पे टैरिफ हाइक कर दिए। यह झटका तो कम था दोस्तों, लेकिन नया झटका फिर से यहां पे आने वाला है, जहां पे फ्लोर प्राइसिंग की बात चली, जो स्टेटमेंट निकल के आया है वो किसी छोटे मोटे दोस्तों यहां पे ट्राई के चेयरमैन जो है दोस्तों आर एस शर्मा, उनके मुंह से स्टेटमेंट निकल गया है जहां पे फ्लोर प्राइसिंग लाने की तैयारी चल रही है। अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली आपके जो दोस्तों भी सस्ते कॉल चल रहे हैं ये महंगे हो जाएंगे, उसके साथ साथ दोस्तों जो डेटा है वो ऑलमोस्ट आपको महंगा होते हुए यहां पे दिखेगा, आपका प्राइसिंग और भी आपको महंगा होता दिखेगा। क्या पूरा स्टेटमेंट देख लेते फ्रेंड्स यहां पे दोस्तों, बात बताऊं ट्राई के चेयरमैन जो है दोस्तों आर एस शर्मा, उन्होंने एक स्टेटमेंट यहां पे दिया जहां पे बताया जा रहा है कि 2016 से पहले सारी की सारी टेलीकॉम कंपनियां अच्छा खासा पैसा कमाती थी, उनका पेट भरा हुआ रहता था। एआरपी की बात कर लीजिए, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर तो 250 रुपया समथिंग आता था, मतलब अच्छा खासा पैसा मिलता, लेकिन 2016 में जैसे ही जियो की एंट्री हुई, जियो ने पूरा मार्केट ही खराब कर दिया, इनका पेट का हाजमा बिगाड़ दिया, क्योंकि यहां पे जियो आया, अनलिमिटेड कॉल्स फ्री में देने लगा, डेटा की कॉस्टिंग बहुत ही सस्ती यहां पे कर दी फ्रेंड्स, और उसके बाद दोस्तों सारी की सारी कंपनी की हालत खराब हो गई। उसके ऊपर रहते रहते दोस्तों एजीआर का मैटर भी फिलहाल आ गया और यहां पे हजारों करोड़ का यहां पे इन कंपनियों को फटका लगा, तो इन कंपनियों ने मिलकर यहां पे आपकी प्राइसिंग जो है टैरिफ से यहां पे बढ़ा दी। अब दोस्तों एक इवेंट यहां पे चल रहा था जहां पे ट्राई के चेयरमैन का एक स्टेटमेंट जो आया था, ये इवेंट तो था दोस्तों अविया इंडिया वीडियो 360 का इवेंट था जहां पे ट्राई के चेयरमैन का स्टेटमेंट आया, लेकिन ये स्टेटमेंट आने से पहले दोस्तों ट्राई के चेयरमैन की मीटिंग हुई थी यहां पे भारतीय एयरटेल के दोस्तों सुनील मित्तल साहब से, भारतीय एयरटेल के ओनर जो है दोस्तों सुनील मित्तल के साथ उनकी मीटिंग हुई थी जहां पे बात की जा रही थी फ्लोर प्राइसिंग के बारे में, ट्राई के सेक्रेटरी से उनकी बात हुई। उसके बाद दोस्तों जैसे ही यहां पे प्रेस रिलीज दिया गया, जैसे ही दोस्तों ट्राई के चेयरमैन से बात की गई, तो उन्होंने दोस्तों अपना रुख यहां पे बदल दिया और क्लियरली बोल दिया हम इसके बारे में सोच सकते हैं। एक महीने पहले दोस्तों जब यहां पे पूछा गया था ट्राई के चेयरमैन से कि फ्लोर प्राइसिंग हिंदुस्तान में आना चाहिए, तो उन्होंने क्लियरली बोल दिया था कि इस तरह का कोई हमारे पास यहां पे प्रपोजल आया नहीं है और हम इसके बारे में नहीं सोच रहे। लेकिन दोस्तों अब यहां पे ट्राई के चेयरमैन ने क्लियर कर दिया कि हम इसके बारे में सोच रहे हैं और हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर आपको फ्लोर प्राइसिंग हिंदुस्तानी टेलीकॉम सेक्टर में देखने को मिले। इसका मतलब दोस्तों डेटा की एक फिक्स रेट कर दिया जाएगा, जैसे एक 10, 12 या 15 या 20 रुपए जो भी होता है दोस्तों, इससे आप डेटा नहीं दे सकते किसी को भी, मतलब एक फिक्स प्राइस यानी फ्लोर प्राइसिंग जिसको बोला जाता है, वो कम से कम प्राइस तो लेना ही पड़ेगा, तो फिक्स प्राइस यहां पे रख दिया जाएगा। कॉलिंग पे भी कुछ दोस्तों फिक्स प्राइस रख दिया जाएगा, इतना तो आपको लेना ही पड़ेगा। इससे जो फिलहाल आपके प्लान चल रहे हैं वो आपको और भी महंगे होते हुए दिखेंगे। तो दोस्तों ये था एक बड़ा स्टेटमेंट जो ट्राई के चेयरमैन की तरफ से आया, लेकिन ये स्टेटमेंट आया दोस्तों सुनील मित्तल साहब के मिलने के बाद, तो डेफिनेटली दोस्तों यहां पे सारी की सारी कंपनियां जो थी एयरटेल आइडिया वोडाफोन पहले से ही चाहती थी कि यहां पे मिनिमम फ्लोर प्राइसिंग आ जाए जिससे इनका एआरपीयू और भी बढ़ जाए। लेकिन दोस्तों अब आपके लिए खतरे की घंटी हो सकती है, क्योंकि एक्चुअल में जो भी 40-45% यहां पे टैरिफ हाइक्स आया था जिससे आपके प्लान्स ऑलरेडी महंगे हो चुके हैं, अगर दोस्तों ट्राई यहां पे फ्लोर प्राइसिंग लेके आ जाता है तो उसके बाद डेफिनेटली दोस्तों प्लान्स के रेट्स बढ़ना मुमकिन है और आपके जो रेट्स है दोस्तों डेफिनेटली बढ़ेंगे। जो आपको सस्ते कॉल्स और सस्ते यहां पे डेटा मिलता है वो फिलहाल आपको आगे आने वाले टाइम में मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, उसके रेट्स डेफिनेटली यहां पे बढ़ेंगे। तो दोस्तों फ्लोर प्राइसिंग इस तरह से काम करने वाला है जहां पे आपको पहले से ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, कंपनियां चाह के भी आपको सस्ता डेटा नहीं दे सकेगी दोस्तों, और आपको यहां पे ज्यादा पैसा देना पड़ेगा उसी चीज का जो आप अभी फिलहाल दे रहे हैं फ्रेंड्स। तो प्लीज मुझे बताइए दोस्तों आप क्या जानते हैं, क्या चाहते हैं ट्राई के जो फ्लोर प्राइसिंग है, क्या आप चाहते हैं दोस्तों कि फ्लोर प्राइसिंग आना चाहिए या जैसा चल रहा है उसको वैसा चलना चाहिए, प्लीज मुझे नीचे कमेंट करके बताना फ्रेंड्स। और ये वीडियो अगर अच्छा लगाओ इन्फॉर्मेटिव लगाओ तो एक थम्स अप तो बनता ही, आपके भाई का चैनल है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ, उन्हें डेफिनेटली अच्छा लगेगा। पहली बार हमारे चैनल पर पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो नीचे आपको लाल कलर का बटन दिखेगा, उसको सब्सक्राइब का बटन बोलते हैं, उसको दबा दबा के तोड़ दीजिए, उसको दबाने से हमारी छोटी सी टेक्नो नील फैमिली के वीआईपी मेंबर बन जाएंगे। उसके पास ही देखिएगा आपको एक घंटी का बटन, उसको जोर दबा देना, उसको
दबाने से जब भी मैं एक नया वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको मिल जाएगा इसका नोटिफिकेशन, सबसे पहले आप देख सकेंगे मेरा नया वीडियो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई बड़ी अपडेट के साथ। तब तक ले बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।